कौन है मालदीव के नए मुस्लिम राष्ट्रपति जो भारत की सेना को देश से निकालना चाहते हैं, जो देश आज भारत की वजह से दुनिया के नक्शे में है? आखिर वो भारत के साथ ही गद्दारी क्यों करना चाहता है? क्या पाकिस्तान और चीन के बाद मालदीव भी भारत का तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन देश बन जाएगा? कहते हैं वक्त के साथ हालात भी बदल जाते हैं। जिस मालदीव के लोग कभी भारत को अपना भगवान मानते थे, आज वहाँ के मुस्लिम राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ बगावत कर दी है। लेकिन एक साल पहले तक भारत के सारे पर काम करने वाला मालदीव आज भारत को आंखें क्यों दिखा रहा है, इसे भी समझिए। जिस मालदीव में आज 98% मुस्लिम रहते हैं, वहाँ कभी 99% हिंदू और बौद्ध रहते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के हिंदू और बौद्ध को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और अब ये देश इस्लामिक देश बन गया है। फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद को चुनाव में हराकर मोहम्मद मुयज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। चीन की गुलामी करने वाले मुयज्जू ने राष्ट्रपति बनते ही भारत की सेना को मालदीव से निकालने का ऐलान कर दिया है। लेकिन मालदीव के नए राष्ट्रपति ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर भारत की सेना मालदीव में क्यों तैनात है और वहाँ क्या कर रही है। भारत ने मालदीव को 2010 और फिर 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए। इसके बाद 2020 में एक छोटा विमान भी तोहफे में दिया था। भारत ने ये दोनों हेलीकॉप्टर और एक डोनियर एयरक्राफ्ट इसलिए दिया था ताकि मालदीव को मेडिकल इक्विपमेंट और समंदर की निगरानी में मदद मिल सके। इन विमानों के रखरखाव के लिए कई सारे टेक्नीशियन और पायलट मालदीव में हैं। कहा जाता है कि 2013 से यहां के लामू और अदु द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। पिछले कुछ सालों से इस देश पर चीन का बहुत ज्यादा असर बढ़ा है। चीन ने मालदीव में भारी निवेश किया है, साथ ही करीब 10 द्वीपों को चीन ने लीज पर भी लिया है। भारत यहां पर चीन के दबदबे को खत्म करना चाहता है, लेकिन मालदीव के नए राष्ट्रपति अब चीन के सारे पर काम कर रहे हैं। भारत का विरोध करके चुनाव लड़ा था और अब हिंदुस्तान की सेना को देश से भगाने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन मुयज्जू को अगर ये बात पता होती कि 45 साल पहले भारत के एक फैसले से ही मालदीव दुनिया के नक्शे में बचा हुआ है, तो शायद ऐसी गलती कभी नहीं करते। 3 नवंबर 1988 मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल भारत आने वाले थे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यक्रम के चलते उनका दौरा टल गया। लेकिन इसी बीच मालदीव के कुछ बड़े लोगों ने श्रीलंका के साथ मिलकर मालदीव में विद्रोह कर दिया। इस पूरे विद्रोह की साजिश श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के ही कारोबारी अब्दुल्ला लुथुपी ने रची थी। मालदीव का अस्तित्व खतरे में था, ऐसे में मालदीव ने भारत से मदद मांगी। दुनिया के जब किसी भी देश ने मालदीव का साथ नहीं दिया, तब भारत की सेना ही थी जिसने मालदीव के अस्तित्व को बचाने में अहम भूमिका निभाई और वहां 4 घंटे के अंदर ही श्रीलंका से आए उग्रवादियों को खदेड़ दिया और भारत की सेना ने मालदीव की रक्षा की। लेकिन 45 साल बाद अब यही मालदीव भारत की सेना को अपने देश से भगाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं मदद भी उन्हीं लोगों की करनी चाहिए जो उसके लायक हो, वरना वक्त बदलने पर आपको ही डसने की कोशिश करते हैं। वैसे मालदीव के नए राष्ट्रपति ने जो भारत के खिलाफ बोला है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।